नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार के गया में पितृपक्ष मेला और विष्णुपद मंदिर खोलने की उठ रही है मांग। देश का प्रधानमंत्री बनने को लेकर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा बयान। मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG की परीक्षा हो सकेंगे आयोजित। चीन में बिहारी युवक की मौत के मामले में भारतीय दूतावास से मिला जवाब। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गया में पितृपक्ष मेला और विष्णुपद मंदिर खोलने की उठ रही है मांग। कोरोना संक्रमण के लिहाज से इस बार भी गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को स्थगित कर दिया गया है। वहीं धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने के आशय से विष्णुपद मंदिर के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। इसे लेकर बीजेपी याचिका समिति के सभापति सह विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने एक पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है। दरअसल गया पाल तीर्थ वृत्ति सुधारणी सभा के सदस्यों ने बीजेपी विधायक से मुलाकात करके पितृपक्ष मेला 2021 के आयोजन और विष्णुपद मंदिर को खोलने को लेकर एक आवेदन किया था, जिसके बाद ही विधायक ने सीएम को इस आशय का एक पत्र लिखकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पितृपक्ष मेला को आयोजित करने की स्वीकृति देने को कहा है। बिहार सरकार मनरेगा के तहत किसान और मजदूरों को देगी लाभ। बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए एक ही चीज के जरिए दोहरा मुनाफा देने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। इसे लेकर एक प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से तैयार किया जा रहा है, जिसे मान लेने के बाद किसानों को खेती के काम के लिए मजदूर खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और साथ ही मजदूरों को भी अपने गांव में ही रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस बाबत बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री फागन सिंह कुलस्ते से दिल्ली में मुलाकात किया और किसानों की निजी जमीन पर होने वाले कृषि कार्यों को मनरेगा में शामिल करने का अनुरोध किया। उनके मुताबिक मनरेगा में शामिल होने के बाद किसानों को मजदूरों से काम करवाने पर आधा पैसा ही उन्हें देना होगा, बाकी का आधा मनरेगा की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2016 से 2021 के बचे हुए 5.47 लाख परिवारों को आवास ऐप में शामिल करने का अनुरोध किया। साथ ही जिन 2.23 लाख परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल करने की भी मांग की गई। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। सीबीएसई ने 12वीं के बाद अब 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbserizults.nic.in या फिर cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट को खोलने के बाद आप रिजल्ट के लिंक को क्लिक करके पूछी गई जानकारियों को भर के सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस बार भी टॉपरों को ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति को जारी किया गया था। सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने से पहले व्यवसायी हो रहे हैं परेशान। बिहार में 15 दिसंबर के बाद थर्मोकोल प्लेट्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लास और ऐसे अन्य उत्पादों का बिजनेस और इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में इसके बिजनेस से जुड़े लोग प्रभावित होंगे, तो वहीं इस्तेमाल करने के लिए लोगों को भी दूसरा विकल्प चाहिए। इस बीच राजधानी पटना के व्यापारियों ने अपनी समस्या बताई है। ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना समेत पूरे बिहार में हजारों की संख्या में रिटेलर और सैकड़ों की संख्या में थोक व्यवसायी प्लास्टिक कप प्लेट और थर्मोकॉल के प्लेट और ग्लास आदि के व्यवसाय से जुड़े हैं। इस बिजनेस से जुड़े करीब 70% से ज्यादा लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए व्यापारी सरकार से पर्याप्त मौका मांग रहे हैं ताकि वे अपना पुराना स्टॉक क्लियर कर सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ ही सरकार को सबके लिए उपाय एक साथ करना चाहिए। बिहार में नकली नोट छापने के मामले में नेपाल से कनेक्शन आया सामने। बीते दिन मुजफ्फरपुर में 7.5 लाख रुपए के जाली नोट के साथ इसकी तस्करी करने वाले 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कई अहम सुराग हासिल हुए। इन तस्करों के पास से 9 लाख रुपए भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक ये तस्कर नेपाल से अच्छी क्वालिटी का बॉन्ड पेपर मंगवाकर कई महीने से यह धंधा कर रहे थे। इसका मास्टरमाइंड पूर्वी चंपारण जिले का निवासी अजय महतो बताया जा रहा है। इस काम के लिए वह पत्नी और बेटे के साथ मिलकर ही घर में ही डिजिटल फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर की मदद से नोट को स्कैन करता था। इसमें ज्यादातर नोट 100 के जाली नोट होते थे। इस मामले में अब पुलिस सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और शिवहर जिले के कई संदिग्ध नंबर को खंगाल कर जांच कर रही है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जयंती दिवस पर साहित्य प्रेमियों ने किया याद। हिंदी साहित्य के पुरोधा कवि माने जाने वाले और राष्ट्रकवि के तौर पर पहचान बनाने वाले मैथिली शरण गुप्त की आज जयंती दिवस मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर के साहित्य प्रेमियों ने उन्हें याद किया। उनका जन्म झांसी के एक काव्यानुरागी परिवार में साल 1886 में हुआ था। बताते चले कि इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी आदि कई भाषाओं का अध्ययन अपने घर पर ही किया था। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनके
रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। ये गांधी दर्शन से खासे प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन में जेल यात्रा भी की, जिसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने उन्हें साहित्य साधना के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। राज्य के 6 जिलों में आज गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बिहार के 6 जिलों में मौसम विभाग ने आज के लिए गरज तरह के साथ भारी बारिश की संभावना बताई है। विभाग की ओर से किशनगंज, अररिया, मधुबनी, कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में भारी बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मानसून की ट्रफ लाइन अभी गया से गुजर रही है। पिछले 24 घंटे में दुमरिया घाट में 80 मिलीमीटर और चनपटिया में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान राजधानी पटना का मौसम साफ रहा। दिन में बेहतर धूप खिली, यहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से जुड़े 21 कॉलेज को स्नातक में नामांकन की मिली मान्यता। मुजफ्फरपुर के बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़े 21 और कॉलेजों में इस सत्र से स्नातक में एडमिशन हो सकेंगे। इन कॉलेजों को सरकार से मान्यता मिल गई है, जिससे अब मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्नातक में नामांकन कराने के अधिक विकल्प मिल सकेंगे। इन कॉलेज को पोर्टल पर जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन लेने वाले कॉलेजों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। आपको बता दें कि मान्यता पाए 21 महाविद्यालयों में 2 इवनिंग और 19 डिग्री कॉलेज शामिल है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि स्नातक में अधिकारियों नामांकन के लिए पहले 10 अगस्त तक की तिथि बढ़ाई गई थी। अब इन कॉलेजों के बढ़ जाने के बाद आवेदन की तारीख 10 दिन आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दक्षिण बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति पर लिया जायजा। दक्षिण बिहार के कई जिलों में नदियों के उफान में आने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति से वहां के निवासी को नुकसान हुआ, इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाकर राहत और बचाव की जानकारी ली। इस बाबत जल संसाधन विभाग के सचिव ने नालंदा, पटना, जहानाबाद, कैमूर, गया एवं औरंगाबाद जिलों में बाढ़ बंद और वहां के नदियों में जलस्तर की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड से सटे क्षेत्र में अधिक बारिश के कारण फल्गु एवं सोन नदी में अधिक पानी आने से तटबंधों पर दबाव बढ़ा और पानी ओवर टॉप कर जाने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी। हालांकि अब नदियों का जलस्तर घट रहा है, जिसके बाद सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंधों को मजबूत करने और लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। पटना के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सीएम ने किया सरप्राइज विजिट। राजधानी पटना में आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ समेत कई अहम जानकारी लेने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने पटना के निचले इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा किया, साथ ही कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद की स्थितियों का जायजा लिया। करीब महीने भर बाद इस औचक भ्रमण में उनके साथ शिक्षा मंत्री, भवन निर्माण मंत्री और जल संसाधन मंत्री भी देखे गए। वहीं पटना के डीएम ने इस भ्रमण को लेकर कहा कि यह मुख्यमंत्री का सरप्राइज विजिट है। जानकारी के मुताबिक अनलॉक 4 के खत्म होने में 4 दिन और शेष बचे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद ही जायजा लेकर अनलॉक 5 में ज्यादा छूट देने को विचार कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा हो सकेंगे आयोजित। बिहार में लॉकडाउन के कारण मेडिकल कॉलेज में अन्य सभी यूनिवर्सिटी में परीक्षा लेने को वर्जित किया गया था, लेकिन अब गृह विभाग ने मेडिकल कॉलेज को छूट दे दी है और उन्हें परीक्षा आयोजित करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी और निजी चिकित्सा कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा नहीं होने के कारण अस्पताल में उनसे सेवा लेने में परेशानी हो रही है, इसलिए अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा पर से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अब इन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। एएनएम ने काम से निकाले जाने पर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों में एएनएम की बहाली की जा रही थी, वहीं अब कई अस्पताल प्रशासन के द्वारा एएनएम को हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाजीपुर सदर अस्पताल से आया है, जहां हटाए जाने के खिलाफ कई एएनएम ने स्वास्थ्य विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि मनमाने ढंग से नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। इनका कहना है कि उनकी बहाली 2 महीने के लिए हुई थी, मगर कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसे में उन्हें नौकरी से हटाने का आदेश सही नहीं है। साथ ही उन लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन कई जगह पैसे दे रहे हैं, लेकिन कई जगह सैलरी भी नहीं दी गई। उन्होंने सरकार से कोविड महामारी का खतरा टलने तक नौकरी रहने की मांग की है, साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक आगे प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। चीन में बिहारी युवक की मौत के मामले में भारतीय दूतावास से मिला जवाब। बिहार के गया जिले के छात्र अमन नागसेन की चीन में मौत हो जाने के मामले में उसके परिजनों ने भारतीय दूतावास से शव मांगने की मांग की गई है। इस संबंध में मृतक अमन के परिवार वालों ने कहा कि 30 जुलाई को उन्हें अचानक खबर मिली थी कि चीन के तेंजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए उनके बेटे अमन नागसेन की जान चली गई है, जिसके बाद 2 दिन पहले ही चीन में स्थित भारतीय दूतावास को उन्होंने ईमेल भेजकर जानकारी मांगी, जिसके बाद बीते शाम को ईमेल का जवाब आया है,
में अमन की जान लिए जाने की जानकारी दी गई है। अब कागजी कार्रवाई के बाद शव को भारत भेजा जाएगा। इस घटना के बाद से विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर कई सवाल उठने लगे हैं। देश का प्रधानमंत्री बनने को लेकर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता दरबार कार्यक्रम के खत्म होने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कई बयान दिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री बनने को लेकर सीएम ने बड़ी बात कही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें पीएम मटेरियल कहा था। इसे जोड़कर सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। पार्टी के कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की सेवा करते करते उनके मन में अब ये सारी बातें नहीं रही है। इसके अलावा बिहार की एनडीए गठबंधन पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ सही है, यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। 14 सालों के बाद टीम इंडिया के पास है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका। भारत और इंग्लैंड के बीच कल बुधवार से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। बताते चले कि यह मौका भारतीय टीम के लिए काफी अहम है क्योंकि इंग्लैंड की जमीन पर इंडिया को टेस्ट सीरीज जीतने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार यह सूखा खत्म हो जाएगा। वहीं इसे लेकर टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने कहा कि इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए अथक प्रयास और पूरी तरह से उत्कृष्टता हासिल करने पर ध्यान देना जरूरी है। खिलाड़ियों को इस तरह के कार्यभार के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार को इस बार गया में पितृपक्ष मेला को आयोजित किए जाने का आदेश दे देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।